हेलो स्टूडेंट्स लाइट के चैप्टर का ही एक पार्ट है क्लास टेन के लिए ह्यूमन आई इस चैप्टर में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई उससे रिलेटेड डिफेक्ट्स और उसका रिमेडी जानने का प्रयास करेंगे आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई आप देख रहे हो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है आई का ये आई क्या है सर हमारा एक सेंसिटिव ऑर्गन है एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर अबाउट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के आसपास होता है आई बॉल का डायमीटर अबाउट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और ये स्पेशलाइज्ड फॉर विजन देखने के लिए आइए एक एक करके इसका स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं इस आई बॉल का सबसे आउटर लेयर है जिसको कहते हैं स्क्लेरेटिक इस इसका काम क्या है सर यह थी फाइब्रस टिश्यू का बना होता है जो आई बॉल के अंदर पाए जाने वाले सारे इंटर इंटरनल ऑर्गन्स को बांध के रखता है यह उसको सेफ्टी देता है स्क्लेरोटिक सो दिस इज द आउटर लेयर ऑफ आई इज इट क्लियर सेकेंड रेटिना और स्क्लेरोटिक के बीच में एक और लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कुरवाइट यह कुरवाइट का फंक्शन क्या है सर इट प्रिवेंट्स मल्टीपल रिफ्लैक्शंस एंड कीप्स द आई बॉल डार्क पूरे आई बॉल को डार्क रखने का काम ये क्रवाइड करता है टू प्रिवेंट मल्टीपल रिफ्लैक्शंस देखा आपने तीसरा हमारा लेयर है रेटिना ये रेटिना को तुम स्क्रीन भी कह सकते हो जहां इमेजेस बनने का काम करते हैं नहीं लाइट इंट्री करेगी और लाइट सिग्नल जब रेटिना पर इमेज बनेगा तो लाइट सिग्नल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में और यह फिर ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन में चला जाता है तो रेटिना में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं एक लाइट सेंसिटिव सेल्स और दूसरा कलर सेंसिटिव सेल्स तो लाइट सेंसिटिव सेल्स को हम लोग रॉड सेल्स बोलते हैं रॉड सेल्स ये सेंसिटिव होता है लाइट के लिए याद रखिएगा और दूसरा होता है कौन सेल्स ये सेंसिटिव होता है कलर के लिए देखा आपने ये रेटिना दो प्रकार के सेल्स को कंटेन करता है रॉड सेल्स और कॉन सेल्स इज इट क्लियर एक स्पॉट देख रहे हो तुम येलो स्पॉट दिस इज फाउंड एट द सेंटर ऑफ रेटिना एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का इमेजेस बनने का काम यही होता है हमारा येलो स्पॉट इज वेरी सेंसिटिव आर्ड तो लाइट नियर बाय ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा येलो स्पॉट पे आप इस जगह देख रहे हो ढेर सारा ऑप्टिक नर्व ऑरिजिनेट कर रहा है तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला क्योंकि यहां पे रेटिना पे किसी प्रकार का सेल्स नहीं पाए जाते नो लाइट सेंसिटिव सेल्स आर फॉर्न एट ब्लाइंड स्पॉट सो यहां किसी प्रकार के इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है अब आइए पूरा जो आई बॉल है अपना एक जेली लाइक सबस्टांस से भरा हुआ है। क्यों भाई इसका फंक्शन क्या है पर्पज क्या है टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स ये कोलैप्स नहीं हो जाए आई बॉल इसलिए इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस है पूरा हमारा जिसको वाइट्रिय ह्यूमर के नाम से जानते हैं दूसरा एक फ्लूइड फील्ड सब्सटेंस यहां भी पाया जाता है आईलेंस और कॉर्निया के बीच में इसका नाम है एक्वस ह्यूमर एंड इट प्रिवेंट फ्रॉम एटमोसफेरिक प्रेशर ये भी बाहर भारी वातावरण के प्रेशर से कोलेप्स नहीं हो जाए उसकी वजह से आईलेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूड फील्ड स्पेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्व ह्यूमर अब देखो ये हमारा आईलेंस है बाय बायकस क्रिस्टलाइन लेंस और ये सपोर्टेड है सिलियरी मसल्स के द्वारा देख रहे हो ये दोनों सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ है हमारा आई लेंस और यही सिलियरी मसल्स तो आई लेंस के फोकस को चेंज करने का काम करता है और ये देख रहे हो ये मस्कुलर डायफ्राम की तरह स्ट्रक्चर जो बना है जिसको हम लोग आयरिस कहते हैं अरे भाई ये आयरिस बीच में एक स्मॉल अपर्चर पाया जाता है एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग पुपिल कहते हैं। और यही पुपिल स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द एंट्री ऑफ लाइट रेज देखा आपने अब आपने डिफरेंट कलर के आईज को देखा होगा ब्राउन कलर आई ब्लू कलर आई ब्लैक कलर आई ये आंख के कलर को तय करने का काम कौन करता है कभी सोचा आपने ये आई के कलर को तय करने का काम हमारा आयरिस करता है और एक चीज देख रहे हो तुम लोग ये आई लेंस का जो फ्रंट पार्ट है थोड़ा सा बल्जिंग है उभरा हुआ है दिस इज बल्जिंग पोर्शन ऐसी बल्जिंग पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्निया नाम याद रहेगा बल्जिंग पोर्सन इज कॉल्ड कॉर्निया तो यह कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आई हो गया आपने देखा पूरे अब सपोज करो यहां से लाइट से एंट्री करेगा लेंस पे जब आएगा कन्वेक्स लेंस तो तुम तो जानते हो कन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड अब ये लाइट सिग्नल के रूप में रेटिना पे जो इमेज बनेगा वो इमेज होगा उसका नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड और फिर ये कैरेट इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स बाय ऑप्टिक नर्व्स टू ब्रेन जहां ब्रेन स्टिमेट करेगा अब ये क्या हो जाएगा रियल एंड इरेक्ट इमेज में लेकिन जब तक ये ब्रेन के पास जा रहा है तो यह किस रूप में जा रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के रूप में और किस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में जा रहा है इट क्लियर अब आइए एक टर्म है परसिस्टेंस ऑफ विजन दो इमेजेस के बीच में आवड़ा कितनी सीमा है उसको धारण करने के आवर आई कैन नॉट परसीव मोर देन टू इमेजेज विद इन ए टाइम इंटरवल ऑफ वन बाय सिक्सटीन सेकेंड कितना बोला मैंने टाइम मैंने टाइम बोला वन बाय सिक्सटीन सेकेंड इसके बीच में अगर कोई तीसरा इमेज आता है तो हमारा आंक उसको पहचानने में संभव नहीं है अरे जो मूवी चलती है सिनेमा हॉल में आपने सोचा है कभी वो कैसे अक्सर में आती है बस इसी प्रिंसिपल का पालन करते हैं हम लोग तो इसको हम क्या बोलेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारी क्षमता क्या है दो इमेजेस के बीच में जो टाइम इंटरवल है वन सिक्सटीन सेकेंड का अगला टर्म है हमारा एकोमोडेशन ऑफ आई आप तो जानते हो ना हम कैमरा से भी तुलना कर सकते हैं अपने आंख का तो कैमरा में जो लेंस लगा हुआ है उसका फोकल लेंथ तो फिक्स है लेकिन अपने आंख का कभी हम किताब को पढ़ रहे होते हैं तो कभी आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को देखते हैं प्लेन को देखते हैं इतना कम समय में ये कैसे फोकल लेंथ चेंज हो जाता है और ये फोकल लेंथ को चेंज करने का काम कौन करता है पता है आपको ये फोकल लेंथ चेंज करने का काम करता है सिलियरी मसल्स के द्वारा किसके द्वारा होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा जब सिलियरी मसल्स हमारा रिलैक्स है तो हमारे आंख का फोकल लेंथ बढ़ जाता है क्या बोला मैंने जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स है तो आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है बढ़ जाता है Then we are able to see distant objects. तब हम दूर की वस्तु को देख पाने में संभव होते हैं देखा आपने कि सीलियरी मसल्स कैसे फोकल लेंथ को चेंज करता है लेकिन जब नजदीक की वस्तु को देखना हो तो तब तो हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है जिसकी वजह से आई लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है देन वी आर टू सी द नियर बाय इसी को तो कहते हैं ऑफ़ आई लेंस के फोकस को एडजस्ट करना ताकि मैं दूर की वस्तु को या नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सके तीसरा हमारा है लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंग विजन ये क्या है भाई आप कम से कम कितनी दूर से आप किसी वस्तु को साफ देख सकते हो विदाउट स्ट्रेन अब ये मत कहना कि सर मैं तो 10 सेंटीमीटर पे पढ़ लेता हूं 15 सेंटीमीटर पे पढ़ लेता हूं नहीं भाई आपके दिमाग में जोर नहीं होना चाहिए विदाउट स्ट्रेन तो वो मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस क्या है सर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अगर इसको पावर में कन्वर्ट करो तो तो आप तो जानते हो ना हंड्रेड बाय डी हो गया कितना हो गया हंड्रेड बाय ट्वेंटी फाइव इजकल टू फोर डायोप्टर देखा आपने पावर कितना हो गया फॉर डायलिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग दूरी होनी चाहिए और इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कुछ बच्चे अगर इसका ख्याल नहीं रखते हैं किताब नजदीक लाकर पढ़ते हैं उनकी आई साइट प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे चल के इसलिए आप जब भी कोई किताब पढ़े तो उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर का और इसी को हम लोग कहते हैं लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंग अब आइए आई डिफेक्ट्स की बात करते हैं हम अभी हमने आई के स्ट्रक्चर को जानने का काम किया एकोमोडेशन ऑफ आई के बारे में पढ़ा अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स क्रिएटेड आइए पहला हमारा कलर ब्लाइंडनेस यह कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है सर कभी आपने देखा है कलर ब्लाइंडनेस वाले को वो प्राइमरी कलर्स में डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम नहीं है यह कैसा संभव हुआ भाई क्योंकि उनके रेटिना में कौन सेल्स का अभाव होता है किसका अभाव होता है कौन सेल्स की कमी होती है और आपको तो पता है ना कौन सेल का काम क्या है कलर डेफरेंसिएशन कलर को डेफरेंसिएट करना ऐसे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है जो कलर को डेफ्रेंसिएट नहीं कर पाते प्राइमरी कलर्स को अब आइए डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम लोग सबसे पहले चलते हैं मायोपिया, मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब क्या हुआ मायोपिया वाले नजदीक की वस्तु को तो साफ साफ देख लेते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो देख लेते हैं सी क्लियरली सी क्लियरलीयर बाय ऑब्जेक्ट तो फिर प्रॉब्लम क्या है सर कैनॉट सी कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैनोट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दूर की वस्तु को नहीं देख पाते नजदीक की वस्तु को तो देख ही लेते कभी सोचा आपने ये बीमारी पैदा कैसे होती है मायोपिया की बीमारी पैदा कैसे होती है कभी आपने सोचा अरे भाई तुम्हारा आई बॉल इलोंगेट कर जाता है जब आई बॉल इलोंगेट कर जाता है क्या बोला मैंने आई बॉल इलोंगेट तो तुम्हारा लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है क्या कहा मैंने कि जब आई बॉल <coughs> इलोंगेट कर जाता है तो डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना तब हमारा इमेज फॉर्मेशन कहा होता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना देख रहे हो रेटिना के पहले ही इमेज बन जाता है स्क्रीन पे तो बनता ही नहीं था मैं दिखाई कैसे देगा तो इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं कौन सा लेंस यूज करते हैं डायवर्जिंग लेंस यूज करते हैं उसका नाम है बाय लेंस। लेंस लेंस। कौन सा यूज़ करते हैं? बाय और ये रे को क्या कर देता है डाइवर्ज कर देता है और फिर इमेज हमारा बनता है रेटिना पे देन वी आर एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखा मायोपिया के बारे में आइए दूसरा हमारा है हाइपर मेट्रोपिया यह हाइपर मेट्रोपिया क्या है सर इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस लॉन्ग साइटेडनेस इसमें क्या होता है सर इस रोग में क्या है कैंसी distant objects distant objects clearly but cannot see but cannot see nearby objects नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है दूर की वस्तु को तो देख ही लेते हैं लेकिन नजदीक की वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं ये हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है या उसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस इसमें क्या होता है सर हमारा आई बॉल फ्लैट हो जाता है में इलोंगेट हो गया था लेकिन हाइपर मेट्रोपिया में ये हो जाता है जिसकी वजह से लेंस और रेटिना के बीच में जो तो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है रेटिना और लेंस के बीच में डिक्रीज कर जाता है और हमारा इमेज फॉर्मेशन कहा होता है बिहाइंड रेटिना रेटिना के पीछे इमेज बनता है अरे भाई हम लोग इमेज तो देखते हैं नहीं दिखा लेकिन कैसा इमेज देखते हैं ब्लर्ड इमेज धुंधला देखते हैं साफ साफ दिखाई नहीं देता है क्योंकि तो ये स्क्रीन को तो पार करता है तब तो हम क्या करेंगे इसके इलाज के लिए रिमेडियर के लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे वो लेंस है हमारा कन्वैक्स लेंस यह क्या करता है सर यह इनकमिंग रेज को कन्वर्ज कर देता है ताकि इमेज का फॉर्मेशन कहां बने इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर बनना संभव हो जाए देखा आपने इस कन्वर्जिंग लेंस के कारण अब जो इमेज हमारा रेटिना के पीछे बन रहा था अब वो इमेज कहां बन रहा है रेटिना पे बन रहा है देन वी आर एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट तो आपने देख लिया हैपर मेट्रोपिया के बारे में उसके बाद है प्रेस बायोपिया ये कैसे संभव हुआ सर ये एजिंग ऑफ एज का रोग है लंबी उम्र का एज है एजिंग ऑफ सिलियरी मसल्स जब सिलियरी मसल्स बहुत पुराना हो जाए तो एक आय पॉसिबल नहीं हो पाता है सही ढंग से ना तो हम दूर की वस्तु को देख पाते और ना तो नजदीक की वस्तु को ठीक से देख पाते हैं क्योंकि नजदीक और दूर की वस्तु को आपने अभी पढ़ाया ना मैंने एकोमोडेशन ऑफ आय हमारा आंख अपने फोकस को चेंज करता रहता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स इसी को तो कहते हैं लेकिन जब हम अपने आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज करने में संभव नहीं हो ड्यू टू एजिंग ऑफ सिलियरी मसल्स तो उस रोग को क्या बोलेंगे बायोपिया ना तो नजदीक का देख पाने में संभव है ना दूर का देख पाने में संभव है ऐसे तो पैसेंट को क्या सलाह दी जाती है बाय फोकल लेंस बाय फोकल लेंस अब मान लो बाय फोकल लेंस में ये आपका ग्लास है और ये आपका दो तरह का लेंस लगाना है अब आप बताओगे कहां पे कन्वेक्स लेंस लगेगा और पे कनकेव लेंस लगेगा जरा बताओ तो, तो, तो। क्योंकि ये आदमी तो दोनों रोग से ग्रसित है मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से भी तो क्या करोगे बताओ कहां लगाओगे अरे भाई नजदीक देखने के लिए तो आपकी आंख को झुकाना पड़ता है ना तो उसमें क्या करेंगे हम लोग तो नीचे हम लोग रखेंगे कन्वेक्स लें देखा आपने नीचे हम लोग क्या रखेंगे कन्वेक्स लेंस और दूर की वस्तु को जब देखते हैं तो आंख उठाते हो ना ऊपर की ओर तो ऊपर में हमारा क्या होगा सर देखा आपने यही फोकल लेंस की सहायता से ऐसे परसेंट आसानी से देख पाने में संभव सक्षम हो पाते हैं चौथा हमारा है एस्टिग्मेटिज्म ये क्या है सर जब हमारा कॉर्निया डिफरेंट कर्व्स बनाता हो डिफरेंट कर्व्स बना हो ताकि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस को फोकस करना पॉसिबल नहीं है उस पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है अगर तुम इस कंडीशन को देखना चाहते हो प्रैक्टिकली <coughs> तो एक सिरे से उंगली से अपने आय बोल को क्रस करो और देखो ढेर सारी वस्तुएं दिखाई देंगी इस तरह से करो इसने आपने क्या किया है कॉर्निया के शेप को आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम यही है इस में। जब कॉर्निया का डिफरेंट कर्ब बनता है उस कंडीशन में होरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस जो है उसका फोकस पॉसिबल नहीं हो पाता है तब इसका इलाज क्या है सर तब हम इसमें पेशेंट्स को सलाह दी जाती है सिलिंड्रिकल लेंस लगाने का कौन सा लेंस सिलिंड्रिकल लेंस की सलाह दी जाती है ताकि इस डिफेक्ट से दूर हो सके अब आइए अगला है हमारा कैटरेक्ट ये क्या है कैटरेक्ट अरे भाई घर घर की बीमारी है ये जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आंख को देखो ध्यान से उनके आई लेंस के ऊपर एक क्लाउडी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है जिससे आंख की ब्राइटनेस कमी हो जाती है ब्लर्ड इमेज बनता है साफ साफ दिखाई नहीं देता ये बूढ़े लोगों का बीमारी है इसका इलाज कैसे होगा भाई आराम से सर्जरी करवाओ वो जो क्लाउडी सब्सटेंस है उसको बाहर करो, फिर देखो एकदम यंगस्टर ऐसा तुम्हारा तो आई साइड बन जाएगा इसीलिए देखते हो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन किया जाता है तो काला चश्मा दिया जाता है एक दो महीने पहनने के लिए क्यों क्योंकि आंख एकदम क्लियर हो चुका है और इंटेंस आई अगर उस आई में देखने का तो एडेप्टन था नहीं वो आंधा बना सकता है धीरे 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 फिर लोग काला चश्मा को हटा देते हैं। तो आपने देखा कैटरेक्ट क्या है ये अपर एज की बीमारी है, जो आई लेंस के ऊपर एक का डिपोजिशन हो जाता है और जिसका इलाज है सर्जिकल अब आइए लास्ट में हम लोग कंपेरिजन करते हैं कैमरा और आंख के बीच में अरे हमारा आंख भी एक कैमरा की तरह ही काम करता है कैमरा का जो सटर है देखते हो जब हम लोग फोटोग्राफी करना शुरू करते हैं कैमरा में तो सटर को खोलते हैं ना लेंस को बाहर करते हैं ना तो हमारे आंख का शटर कौन है हमारा आईलिट आंख को बंद कर दिया हमारा लेंस सब कवर्ड हो गया तो आइए कंपेयर कैमरा में जो लेंस लगा हुआ है उसका फोकल लेंथ फिक्स होता है ध्यान से सुनना कैमरा में जो लेंस लगा हुआ है उसका फोकल लेंथ क्या है फिक्स है लेकिन हमारी आंखों का फोकल लेंथ फिक्स नहीं है हम इसको एडजस्ट करते हैं एकोमोडेट करते हैं ऐसी को हम लोग जानते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई हमने अपने आंख को फोकल लेंथ को चेंज करते रहते विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। उसके बाद कैमरा में जो इमेज बनता है वो परमानेंट होता है नहीं भाई कैमरा में फोटो खींच लिया आप उसको तुम सहेज के रखो घर में एल्बम में लगा के लेकिन अपने आंख पे जो इमेज बनता है वो टेम्पोररी है वो ब्रेन तक जाएगा बस जो परसिस्टेंस ऑफ आई विजन है तब तक वो सुरक्षित रखेगा उसके बाद हम कैमरा में लेंस और स्क्रीन के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन हमारे आंख का डिस्टेंस तो फिक्स है भाई रेटिना और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है तो देखा आपने कैसे हमने एक कैमरा से अपनी आंख का तुलना किया तो बच्चों हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर उससे संबंधित डिफेक्ट्स उससे संबंधित टर्म्स और फिर लास्ट में कंपेरिजन किया कैमरा को एक आई से इस तरह से हमने आई के के बारे में पूरा भरसक प्रयास किया कि आपको पूरा कंसेप्ट मिले मैसेज मिले और आप इसी तरह से वीडियो को वॉच करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम लोग उत्साहित होकर फिर नए ढंग से नए प्लान के साथ आपके साथ आ सके थैंक यू